जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। और आज हम 11th जनवरी के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। न्यूज़पेपर, पीआईबी, स्टैटिक, मैप बेस, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके इस सीरीज में कवर होने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब फटाफट हम पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई देगा वो है टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस रूल्स 2017। अब देखिए, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है किसके बारे में है, तो जो इंटरनेट शटडाउन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरनेट शटडाउन है उस पर कुछ निर्णय दिया है। अब वो क्या है वो हम इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है उसके सेक्शन 7 में जो भी चीज़ें दी गई है उसके बेसिस पर यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने इसके रिगार्डिंग कुछ रूल जो है वो फ्रेम किए हैं। मतलब जो इंटरनेट शटडाउन होता है, टेलीकॉम सर्विसेज का जो सस्पेंशन होता है टेम्पररी बेसिस पर, तो ये रूल्स यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 7 में जो पावर्स दी गई है उसके बेसिस पर। दूसरा आता है कि इस रूल्स के हिसाब से जो कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन और स्टेट के, उनके पास ये पावर होती है कि वो ऐसा ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो ये बिल्कुल सही होता है। जी हाँ, यहाँ पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो है उसके सेक्शन 7 में यहाँ पर पावर जो है कन्फर्ड की गई है गवर्नमेंट के पास कि वो इसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो फ्रेम कर सके। दूसरा, यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देखते हो तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ जो होम सेक्रेटरी होते हैं, जो होम सेक्रेटरी है ऑफ कंट्री और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स होम, उनके पास ये पावर है। किसके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ, यहां पर अगर ओनली भी हम लिख देंगे तो भी सही होगा, सिर्फ और सिर्फ होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स होम डिपार्टमेंट वो ये ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका जवाब रहेगा ए ओनली। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया था वो हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अब सेक्शन 144 के तहत यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, और ख़ासकर जो टेलीग्राफ एक्ट है ना, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885 का, उसके अंतर्गत यहाँ पर सस्पेंशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि टेम्पररी ड्यूरेशन का रहना चाहिए सिर्फ, ऐसा नहीं कि आप परमानेंटली यहाँ पर सस्पेंड कर रहे हो, चलता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहली तो यह है कि वो टेम्पररी बेसिस पर रहना चाहिए, दूसरी क्या है कि इस पर जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी लागू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी यहाँ पर लागू होगा, और यहाँ पर 7 दिन के अंदर अंदर वो गवर्नमेंट को कह सकती है कि आप यहाँ पर इस पर रिव्यू कीजिए, जो आपने सस्पेंशन लगाया है उस पर रिव्यू कीजिए। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, मतलब आर्टिकल 19 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, और इसे एक्सप्रेस करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। मतलब क्या है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, फंडामेंटल राइट को आपको पावर में लाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। तो अगर आप इंटरनेट शटडाउन करते हो तो उससे आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट हो सकता है। और उसी के साथ साथ जो ट्रेड है, कॉमर्स है, ये भी इस पर चलते हैं, जैसे कि हमने देखा था ओला, उबेर, ये सब जो चीज़ें हैं ये भी इस पर चलती है, जोमेटो हो गया, ये भी इस पर चलते हैं। तो इसीलिए इंटरनेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कब लगाए जा सकते हैं, जब भारत की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी पर कुछ खतरा हो, स्टेट की सिक्योरिटी पर कुछ खतरा हो, फॉरेन स्टेट जो है उसके फ्रेंडली रिलेशंस में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आपको लगाना है तो आप टेम्पररी बेसिस पर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें याद रखनी है। तो इसका जवाब क्या रहेगा, जवाब रहेगा वन ओनली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही स्टेटमेंट पहचाना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने प्लान किया है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर द पीरियड 19-2024। दूसरा यहां पर आता है ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि यहां पर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें एजुकेट किया जा सके, जो फाइनेंशियल सर्विस होती है वेरियस प्रोडक्ट्स पर और फीचर्स पर, उसकी जो एबिलिटी है उसके बारे में यहां पर एजुकेशन अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड किया जा सके, वो क्रिएट किया जा सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है।
तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उन्होंने प्लान किया है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से लेकर 24 के बीच में। और दूसरा अगर आप देखोगे इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस को क्रिएट करना है, कंज्यूमर्स को एजुकेट करना है, तो ये भी बिल्कुल सही होता है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है, जवाब रहेगा इसका सी, बोथ वन एंड टू। अब देखिए इसका विजन जो है वो भी आपको पता रहना चाहिए। तो विजन क्या है, अ फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया, ये इसका विजन है। कभी कभार सीधा विजन भी जो है वो पूछ लेते हैं आपको, अगर यूपीएससी में ना पूछा जाए तो स्टेट पीएससी जो एग्जाम होती है उसमें कभी कभार पूछा जाता है, तो इसलिए ये भी आपको पता रहना चाहिए, फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्पावर्ड इंडिया। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जिससे कि हम डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज इकोसिस्टम जो है उसे बढ़ा सके, कि सब लोग यहाँ पर जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका यहाँ पर इंक्लूजन हो सके और सब डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सके, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिलता है। इसके कई स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि जो फाइनेंशियल कंज्यूमर्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट प्लेयर जो होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको इसके स्टेक होल्डर्स भी पूछ सकते हैं कि जो यहाँ पर नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके कौन कौन से यहाँ पर स्टेक होल्डर्स देखने को मिलते हैं, तो ये सब है यहाँ पर। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर इंक्लूड होते हैं, और मल्टीलैटरल इंटरनेशनल प्लेयर जो है जैसे कि OECD हो गया, G20 हो गया, तो ये सब यहाँ पर हमें स्टेक होल्डर्स इसके देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, तो इसे हम I4CB कहते हैं। तो पहला आता है कि ये एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है जो कि सिटीजन्स को अनेबल करता है कि जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर की जा सके, और जितने भी कंप्लेंट्स आए हैं वो एक्सेस किए जाएंगे जो भी कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रहेगी उसके द्वारा। दूसरा यहाँ पर आता है कि इसमें जो क्राइम्स है जैसे कि फाइनेंशियल क्राइम हो गया, सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स हो गए, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो इस पर फोकस नहीं करते हैं। तो पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है जो कि सिटीजन्स को अनेबल करता है कि वो साइबर क्राइम जो भी ऑनलाइन हो रहे हैं उसे रिपोर्ट कर सके। अब दूसरा अगर आप देखोगे जो फाइनेंशियल क्राइम है, सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स है, ये तो ऑनलाइन वाले ही क्राइम है ना, ऑनलाइन वाले ही क्राइम है, तो जब ये ऑनलाइन क्राइम देख रहा है तो फिर ये फोकस उस पर क्यों नहीं करेगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, जवाब रहेगा इसका वन ओनली। अब देखिए बेसिकली इसके 7 कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, 7 कंपोनेंट्स। 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, पहला है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट, क्या है, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट। दूसरा हमें देखने को मिलता है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तीसरा हमें देखने को मिलता है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। चौथा हमें देखने को मिलता है साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट। पांचवा हमें देखने को मिलता है नेशनल साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। छठवा हमें देखने को मिलता है नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम। और सातवां हमें देखने को मिलता है प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। तो ये 7 कंपोनेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसके वजह से क्या होगा, जो भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो सकती है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जवाब रहेगा वन ओनली। ये PIB की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर बढ़ते हैं हम, आ रहे हैं अबाउट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके रिगार्डिंग यहां पर कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उन्होंने यहां पर फर्स्ट इन डेप्थ रिव्यू जो है इंडिया के एनर्जी पॉलिसीज का वो यहां पर रिलीज किया है, इसीलिए काफी न्यूज में आ गया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। पहला यहां पर स्टेटमेंट आता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये क्रिएट की गई 1974 में, जिससे कि यहाँ पर जो भी सप्लाई ऑफ ऑयल है उसमें जो भी डिसरप्शन हो रहा है, मेजर डिसरप्शन हो रहा है, उसके लिए यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पांस और कोऑर्डिनेशन जो है उससे हेल्प ली जा सके। दूसरा है कि ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD जो है उसके अंदर ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेड की जाती है बाय इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, क्रिएट की गई थी 1974 में, जिससे कि यहाँ पर हेल्प कर सके कोऑर्डिनेट करने के लिए कलेक्टिव रिस्पांस जो डिसरप्शन हो रहा है सप्लाई ऑफ ऑयल में, मेजर डिसरप्शन जो हो रहा है उसके बारे में।
दूसरा यहाँ पर ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विदिन ओईसीडी फ्रेमवर्क और जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेड करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा इसका 1 और 2। अभी देखिए इंडिया जो है वो थर्ड है पूरी दुनिया में ग्लोबली ऑयल कंजम्पशन में, यूएसए चाइना के बाद इंडिया का नंबर हमें देखने को मिलता है। और इंडिया जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है, फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है, हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। उसी के साथ साथ नेट एक्सपोर्टर है रिफाइंड फ्यूल्स का, है ना, ये चीज हमने जो न्यूज पेपर एनालिसिस है उसमें ऑलरेडी कवर की हुई थी। IEA है, इसमें हमें 30 मेंबर कंट्रीज जो है वो देखने को मिलते हैं। हेडक्वार्टर है वो हमें पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए इसने जो यहाँ पर रिपोर्ट लाई है इंडिया के बारे में उसमें उसने कई सारी चीज़ें कही है, जैसे कि यहाँ पर रिन्यूएबल स्टेटस देखते हैं हम रिन्यूएबल का, तो उसमें इंडिया जो उसने स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है, ऑलमोस्ट 23% जो है कंट्री का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पर ग्रो हुआ है। 2040 तक यहाँ पर जो इंडिया की डिमांड है एनर्जी के लिए वो डबल होने वाली है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2019 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये जो इंडेक्स है ट्रैक करता है जो प्रोग्रेस है ऑफ एनर्जी इफिशियंसी इनिशिएटिव्स स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज में 97 सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर। दूसरा है ये जो इंडेक्स है डेवलप किया गया है बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो पहला जो स्टेटमेंट है ये एनर्जी इफिशियंसी इनिशिएटिव है स्टेट और यूनियन टेरिटरी 97 सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स पर बेस्ड है, बिल्कुल सही है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखोगे दूसरा जो स्टेटमेंट है ये डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा BEE के द्वारा, ये बिल्कुल सही है, इन एसोसिएशन विद अलायंस फॉर एनर्जी इफिशियंसी इकोनॉमी, अलायंस फॉर एनर्जी इफिशियंट इकोनॉमी इनके कोलैबोरेशन के साथ, इनके एसोसिएशन के साथ, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये गलत हो जाता है, जवाब इसका रहेगा 1 only। अब देखिए जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी उसके बारे में आपको पता ही है कि एक स्टेटरी बॉडी है, हमने ऑलरेडी कौन बनेगा आईएएस में कवर किया हुआ है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में है। और उसी के साथ साथ जो भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती है उसके बारे में यहाँ पर ये बताता है। तो BEE के बारे में आपको पता रहना, जो बेसिक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक स्टेटरी बॉडी है। अब देखिए यहाँ पर टॉप परफॉर्मर अगर हम देखते हैं तो वो हमें देखने को मिलते हैं जो हरियाणा है, केरला है, कर्नाटका है, ये अचीवर कैटेगरी में हमें देखने को मिले। वही अगर हम मणिपुर देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर देखते हैं, झारखंड देखते हैं, तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग देखने को मिल रहे हैं। और जो फर्स्ट स्टेट एनर्जी इफिशियंसी प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है 2018 का वो लॉन्च किया गया था अगस्त 2018 में। अब देखिए जो इंडेक्स है इसमें हमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव आउटकम बेस्ड इंडिकेटर जो है वो देखने को मिलते हैं। सेक्टर्स है जैसे कि बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, म्युनिसिपैलिटीज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर डिस्कॉम हो गया, क्रॉस सेक्टर हो गया, तो ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सकते हो जो ग्रीन इसमें आपको नजर आ रहे हैं वो है यहाँ पर अचीवर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो ब्लू इसमें नजर आ रहे हैं वो है कंटेंडर और एस्पिरेंट, यहाँ पर जो आपको ग्रे इसमें नजर आ रहे हैं वो सब है एस्पिरेंट। ये भी यहाँ पर PIB की न्यूज जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही स्टेटमेंट यहाँ पर पहचानना है। अब देखिए ये आपको जनरल GK में पूछे जाएंगे, जैसे कि हम स्टैटिक पोर्शन लेते हैं ना, स्टैटिक पोर्शन लेते हैं किसी सब्जेक्ट के, तो हम हर रोज कोई ना कोई सब्जेक्ट लेते हैं, तो आज मैंने सोचा कि यहाँ पर GK का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाए। स्टैटिक GK जो होता है जो हर वक्त हमें जो इंपॉर्टेंट है वो नजर आता है, यहाँ पर स्टैटिक GK आज मैंने कवर किए हैं। तो यहाँ पर पहला आता है कि वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल January 10th को, जिससे कि हिंदी लैंग्वेज जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्रमोट की जा सके। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2006 में, जिससे कि जो एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इसे कमेमोरेट किया जा सके, जो हेल्ड की गई थी नागपुर में January 10, 1975 को। अब देखिए यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन एम्बेसीज के द्वारा भी, जो कि अक्रॉस द ग्लोब यहाँ पर हमें जो इंडियन एम्बेसी देखने को मिलती है वो भी इस दिन को सेलिब्रेट करती है। और वर्ल्ड हिंदी डे, देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कभी कभी, वर्ल्ड हिंदी डे जो है उसे आप कन्फ्यूज कर सकते हो हिंदी दिवस के साथ। हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे ये अलग अलग है। वर्ल्ड हिंदी डे ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, ये किया जाता है 10th January को, और हिंदी दिवस ये सेलिब्रेट किया जाता है September 14 को, ठीक है, तो इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो ये बिल्कुल सही होता है। दूसरा अगर आप देखोगे सेलिब्रेट 2006 में सबसे पहली बार किया गया था, जिससे कि जो कॉन्फ्रेंस थी हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्ड की गई थी नागपुर में इसे कॉमरेट किया जा सके, ये भी बिल्कुल सही है।
जवाब इसका देखने को मिलेगा डी, बोथ वन एंड टू। और हिंदी जो है वो बाकी कंट्रीज में भी देखी जा सकती है, इंडिया के बाहर भी, जैसे कि मॉरिशियस हो गया, फिजी हो गया, सिरिनाम हो गया, तो ये कंट्रीज जो है वहां पर भी हिंदी जो है वो पाई जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंडियन स्कीमर जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो इंडिया में ये जो स्पीशीज है वो यहाँ पर चंबल रिवर जो है सेंट्रल इंडिया में वहाँ पर पाई जा सकती है, और फ्यू पार्ट जो है ओडिशा के आंध्र प्रदेश में वहाँ पर भी देखने को मिलती है। और IUCN स्टेटस जो है वो है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यहाँ पर आपको फोटो जो है वो भी नजर आएगा। अब देखिए एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी में ये जो स्पीशीज होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसीलिए ये भी एक GK का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट, तो ये स्पीशीज़ है जो कि चंबल रिवर के पास पाई जाती है सेंट्रल इंडिया में और फ्यू पार्ट ऑफ ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तो ये बिल्कुल सही होता है। IUCN स्टेटस अगर आप इसका देखोगे तो वो इसका वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ए जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलेगा। ये एक वाटर बर्ड स्पीशीज है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कौन यहाँ पर क्रिएट और एबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में हमें दो देखने को मिलते हैं, जैसे सेंटर में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसी तरीके से स्टेट में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये एबॉलिश भी की जा सकती है और क्रिएट भी की जा सकती है। तो किसके पास ये पावर है लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश या फिर क्रिएट करने का, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर? तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। स्टेट लेजिस्लेचर क्या करती है, ये रिजोल्यूशन भेजेगी, यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी जो है उससे पास करके ये रिजोल्यूशन भेजेगी अगर उन्हें क्रिएट करना है या फिर एबॉलिश करना है तो, और फिर ये रिजोल्यूशन जो है ये जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ये सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा और फिर यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो या क्रिएट की जा सकती है या तो एबॉलिश की जा सकती है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अमेंडमेंट नहीं होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, पार्लियामेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो एबॉलिश या फिर क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। अब यहाँ पर फंक्शनली एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, एक्सटिंक्ट है, तो ये सब आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर फंक्शनली एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मेंबर्स है, कुछ मेंबर्स उस प्रजाति के वो रहते हैं, वो एग्जिस्टिंग में रहते हैं, मगर रिप्रोड्यूस जो है वो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। कुछ मेंबर जो है वही बचे रहते हैं जो कि रिप्रोड्यूस प्रॉपर तरीके से मीनिंगफुली यहाँ पर कर पाते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, जिससे कि उनका सर्वाइवल जो है वो इंश्योर हो सके, इसलिए उन्हें फंक्शनली एक्सटिंक्ट कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर है कि वंस डिक्लेयर एक्सटिंक्ट, एक बार अगर वो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, जो स्पीशीज है वो एलिजिबल नहीं होती है प्रोडक्टिव मेजर्स के लिए और कंजर्वेशन फंडिंग के लिए। जो भी मतलब अगर आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखोगे तो वो प्रोटेक्टिव मेजर्स उसके लिए लिए जाते हैं ना, अगर आप उसका हंटिंग करते हो तो आपको यहाँ पर सजा होगी, उसी के साथ साथ जो कंजर्वेशन फंडिंग है वो भी उनके लिए दी जाती है। तो एक बार अगर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो प्रोटेक्टिव मेजर्स किसी के भी लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखोगे तो बिल्कुल सही है, मतलब फंक्शनली एक्सटेंट हो गए हैं, मतलब वहाँ पर रिप्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी कम जो प्रजाति है वहाँ पर बची हुई है, तो इसलिए फंक्शनली एक्सटेंट है। और यहाँ पर एक बार एक्सटेंट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो फिर कंजर्वेशन फंडिंग, प्रोटेक्टिव मेजर्स ये सब के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जवाब रहेगा सी, वन एंड टू। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हमारे रोज लेते हैं, जैसे कि बाबेल मंडप स्ट्रेट जो है वो किसको ज्वाइन करता है। तो बाबेल मंडप स्ट्रेट ये ज्वाइन किसको करता है, रेड सी विद गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन विद रेड सी, पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान या फिर नन ऑफ द अबव। तो बाबेल मंडप स्ट्रेट ये रेड सी के साथ ज्वाइन करता है गल्फ ऑफ एडन को। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, ये दोनों कनेक्ट होते हैं बाबेल मंडप स्ट्रेट के साथ, तो बी जो है इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गल्फ ऑफ एडन, ये है रेड सी और ये है बाबेल मंडप स्ट्रेट। तो अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया यहाँ पर यमन, यहाँ पर है सऊदी अरेबिया, जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ अगर आप इधर देखोगे तो इधर पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान जो है उसे जो कनेक्ट कर रहा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, है ना, वो भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ईरान जो है वो वहाँ पर कनेक्टेड है। यहाँ पर जिबूटी, जिबूटी जो है यहाँ पर क्या है, तो जो चाइना है उसने अपना बेस बनाया हुआ है, है ना, ये क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका उसमें माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हम एक चीज़ देख के सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं जो आसपास हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।